हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? देखिए, व्हाट आर लैग्रेंज पॉइंट्स एंड व्हाई इज आदित्य L1 हेडेड टू वन? अभी हम लोग देखते हैं, आदित्य L1 हमारा मिशन गया था, L1 पॉइंट पर है, लैग्रेंज 1 पॉइंट पर गया है, देखते हैं क्या है इसमें अभी हमारे लिए। सम ऑफ द मोस्ट अमेजिंग फिनोमिना इन नेचर, फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड इंफ्रारेड विजन टू सब एटॉमिक पार्टिकल एंड कॉस्मिक रेज आर इनविजिबल। मतलब बता रहे हैं कुछ चीज़ें इनविजिबल है पर वो बहुत अमेजिंग फिनोमिना है, एंड वी गेट टू नो देम ओनली थ्रू देयर वेरियस एप्लीकेशन। दिस इज ट्रू ऑफ लैग्रेंज पॉइंट एज वेल। क्या है ऐसा लैग्रेंज पॉइंट? देखते हैं। पॉइंट्स इन स्पेस बिटवीन सेलेस्टियल बॉडीज वेयर अ स्पेसक्राफ्ट स्टेज मोर और लेस स्टेशनरी एज इफ हेल्ड इन प्लेस बाय सम कॉस्मिक मैजिक। दो सेलेस्टियल बॉडी है, उसके बीच में कोई ऐसा लैग्रेंज पॉइंट होगा जहाँ पे आपका स्पेसक्राफ्ट क्या है, स्टेबल रहेगा। ठीक है, मतलब आपको इतना पता होगा कि ये ग्रेविटेशन पुल होता है, दोनों अपने तरफ खींच रहे हैं, इनके बीच जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा होगा ये खींच रहे होंगे, तो यहाँ पे ये स्टेबल पॉइंट होता है, वहाँ पे हम रोक सकते हैं अपने स्पेसक्राफ्ट को, ये आपके लैग्रेंज पॉइंट हो गए। ठीक है, द मैजिक ऑफ कोर्स ओज इट सेल्फ टू अनसीन फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी एग्जर्टेड बाय दिस बॉडीज। तो जो जैसा मैंने आपको बताया, बीच में पॉइंट होगा, अगर इधर से भी इक्वल पुल इफेक्ट आ रहा है, इधर से भी इक्वल पुल इफेक्ट आ रहा है, तो आपका यहाँ पे तो वो बॉडी स्टेबलाइज रहेगी ना। अब ये सेम मासेस होंगे तब इक्वल पुल की बात होगी। मानो एक बड़ा है एक छोटा है, इसका ग्रेविटेशनल पुल कम होगा, इसका ज़्यादा होगा, तो हमें पॉइंट्स कहीं पर ऐसा बनाना होगा, तो वो पॉइंट जहाँ पे अपना स्पेसक्राफ्ट आपका स्टेबलाइज रहे, ये अपने तरफ ना खींचे, ये अपने तरफ ना खींचे, या इसके पुल का मैग्नीट्यूड और इसके पुल का मैग्नीट्यूड इक्वल रहे, ताकि वो यहाँ पे स्टेबलाइज रह सके। ये नहीं कि इसके तरफ ज़्यादा है तो इधर खिसकते जा रहा है, स्टेबल रह सके, उसी को लैग्रेंज पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। लैग्रेंज पॉइंट आर फाउंड अलॉन्ग द प्लेन ऑफ टू ऑब्जेक्ट इन ऑर्बिट अराउंड देयर कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पे कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात हो रही है, वेयर देयर ग्रेविटेशनल फोर्सेस कैंसिल ईच अदर। ठीक है, जैसा मैंने आप लोगों को ऊपर समझाया, सो दैट द थर्ड बॉडी ऑफ नेग्लिजिबल मास विल रिमेन एट रेस्ट बिटवीन देम। तो इसका ग्रेविटेशनल पुल, इसका ग्रेविटेशनल पुल कैंसिल हो जा रहा है, तो वो बॉडी रेस्ट पर है, यहाँ पर स्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अ कंबाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ इक्वल्स टू सेंट्रीप्यूगल फोर्स रिक्वायर्ड बाई सैटेलाइट और एन एस्ट्रॉयड टू ऑर्बिट द सन अर्थ सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट दिस लैग्रेंज पॉइंट। अ सैटेलाइट विल कीप इट्स पोजिशन कॉन्स्टेंट रिलेटिव टू बोथ द सन एंड द अर्थ। तो वहाँ के बीच में जो पॉइंट है, वहाँ के रिस्पेक्ट में, जैसे सन है ये अर्थ है, तो यहाँ पर आपका पॉइंट होगा वो स्टेबल रहेगा। मैथ्स इंस्टेड ऑफ लॉ, प्लेनेटरी साइंटिस्ट आर फैसिनेटेड बाई लैग्रेंज पॉइंट बिकॉज दे ऑफर द बेस्ट पार्किंग स्पॉट। वहाँ पे पार्क करते हैं हम अपने स्पेसक्राफ्ट को। इन स्पेस फॉर सैटेलाइट्स दैट इज सीन फ्रॉम द अर्थ, लैग्रेंज पॉइंट अपीयर टू स्टे मोशनलेस एंड दिस मेक्स देम आइडियल फॉर कंट्रोलर एंड कंट्रोलर ऑन द ग्राउंड टू कम्युनिकेट विद स्पेसक्राफ्ट स्टेशन देयर। नो वंडर व्हाई दिस लोकेशंस आर होम टू सेवरल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज दैट यूटिलाइज देयर वेंटेज पोजिशन to have a ringside view of the earth and the backyard of the solar system which would not be possible nearer to the planet। क्योंकि पास हो जाएंगे तो वो लेकर अपने तरफ ग्रेविटेशनल पुल से खींच लेंगे। लैग्रेंज पॉइंट्स एग्जिस्ट थ्रू आउट द सोलर सिस्टम ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड द रिटेन्यू ऑफ प्लैनेट्स एंड देयर मून्स। द पॉइंट्स वर नेम्ड आफ्टर द इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफ लुईस लैग्रेंज, हु वॉज बॉर्न January 25, 1736 इन ट्यूरिन इटली। तो इटली में ये बॉर्न हुए थे, इटालियन फ्रेंच आपके साइंटिस्ट के नाम पे मैथमेटिशियन थे, उनके नाम पे लैग्रेंज पॉइंट का नाम रखा गया है। हिज पेरेंट्स वॉन्टेड हिम टू स्टडी लॉ एंड इनरोल्ड हिम एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन, बट एज इट हैपेंड अ 17 ईयर ओल्ड लैग्रेंज ओल्ड लैग्रेंज चांस अपॉन एलजेब्रा पेपर बाय इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर एडमंड हैली एंड वॉज सो इंट्रीग दैट ही डिसाइडेड टू बिकम ए मैथमेटिशियन इंस्टेड। तो पेरेंट्स कुछ और चाहते थे, उन्होंने अपना पैशन फॉलो किया, तो देखो आज
हम लोग उनको पढ़ रहे हैं, और हम लोग के पढ़ने की बात नहीं है, उन्होंने कितना बड़ा एक हमें लैग्रेंज पॉइंट बता कर गए, वो बड़ी बात है। ही वेंट टू द एक्सेल इन ऑल फील्ड ऑफ एनालिटिकल नंबर थ्योरी एंड सेलेस्टियल मैकेनिक्स एंड बिकेम वन ऑफ द यंगेस्ट एंड ब्राइटेस्ट मैथमेटिशियन प्रोफेसर ऑफ हिज टाइम। ही सब्सिक्वेंटली मूव टू बर्लिन वेयर हिज वर्क ऑन एस्ट्रोनॉमी मैकेनिक्स एंड कैलकुलस रिजल्टेड इन सेवरल ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स इंक्लूडेड वन ऑन द मून्स ऑर्बिटल डायनेमिक एंड अनदर क्या लिखा है ये परट्यूबेशंस ऑफ द ऑर्बिट्स ऑफ कॉमेट्स। तो यहाँ पे आप देखिए इनके बहुत सारे बड़े बड़े इन्होंने काम किए, सिर्फ एक ही चीज़ नहीं दिया है। द थ्री बॉडी प्रॉब्लम क्या है, बट लैग्रेंज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन वर रिलेटेड टू द सो कॉल्ड थ्री बॉडी प्रॉब्लम। क्या है ये थ्री बॉडी प्रॉब्लम देखते हैं। विच इन्वेस्टिगेटेड द मोशन ऑफ थ्री बॉडीज विथ मासेस रिलेटिव टू ईच अदर। तो आप देखिए यहाँ पे थ्री बॉडी के मासेस इन्वॉल्व रिलेटिव टू ईच अदर इन स्पेस सच एज सन अर्थ एंड द मून। द प्रॉब्लम क्वेश्चन इटसेल्फ इज इफ यू नो द स्टार्टिंग पोजिशन ऑफ द सन द अर्थ एंड द मून कैन यू प्रिडिक्ट देयर एग्जैक्ट लोकेशन एट द लेटर डेट एज द मून अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईच अदर्स ग्रेविटी। तो यहाँ पे यही बात हो रही है, अगर अपने ग्रेविटी के उसमें वो लोग मूव करें तो उनका पोजिशन बताया जा सकता है, जैसे अभी यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं तो बाद में क्या इनका पोजिशन होगा। लैग्रेंज फाउंड दैट द प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व इफ ही अज्यूम्ड द थर्ड बॉडी वॉज मच स्मॉलर देन द अदर टू लार्ज मासेस। दिस इवेंचुअली लेड हिम टू डिस्क्राइब द फेमस फाइव लैग्रेंज पॉइंट्स दैट वी नो टूडे एज L1, L2, L3, L4 एंड L5 इन एनी थ्री बॉडी सिस्टम। देखो यहाँ पे इन्होंने बताया कि दो बॉडी है, तीन बॉडी है, अगर किसी थर्ड का मास इन दोनों के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है तो हम पोजीशन को प्रिडिक्ट करके बता सकते हैं। तो जैसे सैटेलाइट जा रहा है तो अर्थ और सन के कंपैरिजन में तो वो बहुत नेग्लिजिबल छोटा सा है, तो उसका फोर्स को हम इग्नोर करके वहाँ पे बता सकते हैं पॉइंट्स। तो वैसे उन्होंने पांच पॉइंट्स निकाले L1 to L5। इन एनी थ्री बॉडी सिस्टम थ्री ऑफ दिस लैग्रेंज पॉइंट्स L1, L2, L3 आर अनस्टेबल पोजिशन that lie along the imaginary straight line connecting the two large bodies. The other two L4 and L5 are stable location that form the apexes of two imaginary equatorial triangles with the two large celestial bodies at the vertices of each triangle. दो बड़े बॉडी और यहाँ पे ये थर्ड, ये इक्वेटोरियल ट्राइंगल है, मतलब सब सारे साइड्स इसके इक्वल है, ये आपके जो पॉइंट होंगे ये स्टेबल पॉइंट हो गए, ये L4 एंड L5 की बात हो रही है। पॉइंट्स ऑफ एक्यूमुलेशन क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट स्टे अनडिस्टर्ब्ड एट L4 और L5 बिकॉज ऑफ फोर्स, अ फोर्स एक्टिंग अगेंस्ट एनी डिस्प्लेसमेंट दैट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम बीइंग नज अवे फ्रॉम द स्टेबल पॉइंट। बिकॉज ऑफ देयर स्टेबिलिटी हाउएवर L4 एंड L5 ऑल्सो टेंड टू एक्यूमुलेट अ लॉट ऑफ इंटरस्टेलर डस्ट एंड एस्ट्रॉइड्स कॉल्ड ट्रोजन्स एंड जिप्स अराउंड द पॉइंट। साइंटिस्ट हैव डिटेक्टेड नियरली 10,000 ट्रोजन्स in L4 and L5 points in the Sun-Jupiter system alone, where gravitational and centrifugal forces prompt a space rock to follow the giant planet revolution around the system. Astronomers have also found 4 trojans at Lagrange points around Mars and 8 trojans in L4 and L5 points around Neptune. One of Saturn's larger moon, Theseus, jiska naam hai ye, Saturn ka sabse bada moon hai ye, ab dekhiye. ठीक है, इवन हैज टू मूनलेट्स एट इट्स लैग्रेंज पॉइंट। ठीक है, ऑन द अदर हैंड एन ऑब्जेक्ट पोजिशन एट वन ऑफ द थ्री अनस्टेबल पॉइंट, जहाँ पे ये तो इक्वेटोरियल पोजिशन की बात हो गई, यहाँ पे L4 और L5 की बात कर रहे हैं लोग, कि ट्राइंगल बना हुआ है इक्वेटोरियल ट्राइंगल, सारे इसके साइड्स इक्वल है, यहाँ पे दो बड़े प्लेनेट है, यहाँ पे आपका नेग्लिजिबल वेट वाला सेटेलाइट है, तो ये अभी तक जो बात हुई थी उसकी हो रही है। अब देखिए जो L1 to L3 है कैन बी इजिली डी ऑर्बिटेड बाई इवन वीक फोर्सेस एंड दे विल देन ड्रिफ्ट इन टू स्पेस। दैट इज टू से स्पेस क्राफ्ट एट से L3 नीड्स ओनली द स्लाइटेस्ट डिस्टर्बेंस और डिस्टरप्शन टू स्लीप एंड फॉल फ्रॉम इट्स ऑर्बिट टुवर्ड्स द सन और द अर्थ अनलेस इट्स फ्रिक्वेंटली बर्न फ्यूल्स वाया थ्रशर। मतलब जब तक वो अपना फोर्स लगाएगा, यहाँ पे L1, L2, L3 की बात हो रही है, अपना फोर्स लगा के बीच में स्टेबल रह सकता है, नहीं तो थोड़ा सा भी स्लाइटली डिस्टरबेंस होगा तो उसको वहाँ से हटा दिया जाएगा, मतलब वो अपने आप हट जाएगा।
क्योंकि ऐसे फोर्सेस लगेंगे उसके ऊपर एट वेरियस मोमेंटम और डिस्प्लेसमेंट टू एडजस्ट इट्स ऑर्बिटल मोमेंटम फ्रिक्वेंटली. ठीक है. इंपॉर्टेंस फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन. विदाउट लैग्रेंज पॉइंट स्पेस एक्सप्लोरेशन वुड हैव बीन सो रिस्ट्रिक्टेड विद साइंटिस्ट स्ट्रगलिंग टू फाइंड द बेस्ट ऑर्बिट्स एंड वेलोसिटीज ऑफ सैटेलाइट्स एंड रेकनकिंग देम विद चैलेंजेस ऑफ ऑर्बिटल परटर्बेशंस. टू थिंक दैट स्पेस एफर्ट्स लाइक द आदित्य एल वन सोलर मिशन ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो वुड हैव नेवर बीन मटेरियलाइज्ड हैड एन इटालियन बॉय परस्यूड अ करियर इन लॉ इंस्टेड ऑफ बीइंग डिस्ट्रैक्टेड बाय मैथमेटिशियन इन 18th सेंचुरी. तो अगर यहाँ पे सिंपल सी बात बोली गई, अगर वो लॉ कर लेते अपने माँ बाप के कहने से तो आज आदित्य एल वन जैसा मिशन हो ही नहीं पाता, और आदित्य एल वन नहीं, कोई भी मिशन नहीं हो पाता. खैर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि कोई ना कोई और आता, अगर वो नहीं करते तो कोई आके वो चीज़ करता. तो ठीक है, आदित्य एल वन इज़ ए स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी एट इसरो लॉन्च ऑन September 2. इट इज़ नाउ इन रूट टू इट्स डिजाइन डेस्टिनेटेड पार्किंग स्लॉट एट एल वन इन द सन अर्थ सिस्टम. वंस इट रीचेस एल वन एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ द प्रोब विल सेटल इन टू हेलो ऑर्बिट अराउंड एल वन टू एक्वायर द अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू ऑफ द सन. एल वन इज रेडी होम टू 4 अदर रोबोटिक एक्सप्लोरर्स. नासा सोलर एंड हेलियोस्फोरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट डीप स्पेस क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी एडवांस कंपोजिशन एक्सप्लोरर एंड द ग्लोबल जियो स्पेस साइंस वेंट सैटेलाइट. द पॉइंट विल गेट इवन मोर क्राउडेड व्हेन 3 US प्रोब्स इंटरस्टेलर मैपिंग एक्सिलरेशन प्रोब नियर अर्थ ऑब्जेक्ट सर्वाइव स्पेस वेदर फॉलो ऑन लैग्रेंज वन एंड द यूरोपियन विजल मिशन बिगिन देयर लैग्रेंजियन जर्नी इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर. तो मतलब वहाँ पे और क्राउड बढ़ने वाला है. साइट्स ऑफ स्पेस कॉलोनीज. स्पेस साइंटिस्ट आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग द पोटेंशियल ऑफ L4 एंड L5 पॉइंट्स टू होस्ट स्पेस कॉलोनीज इन फ्यूचर बिकॉज दिस पॉइंट्स आर रिलेटिवली क्लोज टू अर्थ एट दिस लोकेशन वेयर ग्रेविटेशनल फोर्स कैंसल ईच अदर और स्पेस क्राफ्ट विल नीड वेरी लिटल फ्यूल टू रिमेन इन द ऑर्बिट और टू लॉन्च टू अनदर प्लैनेट लाइक अनलाइक लॉन्चेस फ्रॉम द अर्थ दैट टेक मोस्ट ऑफ द फ्यूल रॉकेट कैरीज. दिस इन थ्योरी अलाउज अदर स्पेस इंजीनियर्स टू बिल्ड हैबिटेबल स्पेस स्टेशन एट द L4 एंड L5 क्योंकि ये स्टेबल पॉइंट्स है जैसा हमने पढ़ा. यूजिंग रिसोर्सेज माइन फ्रॉम द मून और द एस्ट्रॉइड. अब बताइए L4, L5 में क्या प्रॉब्लम है. जैसा हमने पढ़ा वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे आपके ट्रोजन्स और वो पॉइंट पे रहते हैं क्योंकि वो एस्ट्रॉइड्स रहते हैं क्योंकि वो स्टेबल पॉइंट है, वहाँ पे किसी फोर्स की जरूरत नहीं है ना वो चेंज होता है. अ बिग स्पेस स्टेशन बिल्ट दिस वे कुड बी स्पन ऑन इट्स एक्सिस यूजिंग रॉकेट थ्रस्टर सो दैट आर्टिफिशियल ग्रेविटी कुड थस क्रिएटेड वुड हेल्प अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू लिव एंड वर्क ऑन बोर्ड द ऑर्बिटिंग पास्ट परमानेंटली. तो देखिए इस आर्टिकल में हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है. सबसे पहले देखिए L1, L2, L3, L4, L5 ये लैग्रेंज पॉइंट है क्या. L4 और L5 जो है इक्वेटोरियल ट्रायंगल के पॉइंट्स होंगे, ये सारे जिसके इक्वल साइड्स है. यहाँ पे जो होंगे वो L4, यहाँ पे दो बड़े बॉडीज होंगे, यहाँ पे सैटेलाइट होंगे. तो इन ये दोनों डिनोट करते हैं L4 को L5 को, ज़्यादा स्टेबल पॉइंट्स रहते हैं ये, आपके कंफर्टेबल पॉइंट्स रहते हैं. तो यहाँ पे आपके ट्रोजन्स और एस्ट्रॉइड्स वहाँ पे जुटे रहते हैं क्योंकि वो वहाँ पे स्टेबल फोर्सेस हैं वहाँ पे. आप देखिए L3, L2, L1 के लिए कभी कभार वो डायनेमिक पॉइंट्स से मूव होते रहते हैं. सन और अर्थ के बीच में 5 पॉइंट्स हैं. आदित्य L1 मिशन गया है इसरो का, कहाँ पे गया है, पॉइंट वन पर गया है L1 पर. ठीक है, 1.5 मिलियन किलोमीटर इसका डिस्टेंस है कहाँ से, अर्थ से. अब देखिए यहाँ पे हमने देखा यहाँ पर L2 है इधर में 1.5 किलोमीटर पीछे में. ठीक है, अब आप देखिए ये इनके बारे में मैथमेटिशियन, इनके पेरेंट्स चाहते थे ये लॉ पढ़े, ये मैथमेटिशियन बने,
इन्होंने वहाँ पे आपका लैग्रेंज पॉइंट्स डिस्कवर किया। ये इनके सारे वर्क्स दिए हुए हैं, ये हमारे स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मैंने पूरा पढ़ के बताया आपको। पॉइंट्स ऑफ एक्यूमुलेशन यहाँ पे वही है, L4 L5 वाला, ठीक है। थ्री बॉडी सिस्टम यही हो गया आपका, यहाँ पे थ्री बॉडी सिस्टम ये, अगर ट्राइंगल में बॉडी को रखा जा रहा है, अगर इसका नेग्लिजिबल है तो हम लोग उसका पोजिशन रख सकते हैं, अगर नहीं है तो हम यहाँ पे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि मोशन, डायनेमिक मोशन होने के बाद क्या पोजिशन रहेगा। यहाँ पे नासा का कुछ आप देखिए, ये सारे मिशंस दे रखे हैं, ये होने वाले मिशंस दे रखे हैं। तो इस आर्टिकल में हमारे लिए बस इतना इंपॉर्टेंट होता है। सो थैंक यू गाइस, एंड प्लीज वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।